तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो कहते हैं एक प्रिज्म है, दिस इज़ द कंसीडर ए प्रिज्म, और इस प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, एंड सरफेस इज सिल्वर्ड, वन सरफेस इसका सिल्वर्ड है, लाइट रे फॉल्स एट एंगल ऑफ इंसिडेंस टू ए, ये जो है लाइट रे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस टू ए पे फॉल करती है फर्स्ट सरफेस एंड रीट्रेस बैक थ्रू द सेम पाथ, तो म्यू की कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इज द म्यू? तो अगर मैं म्यू की यहाँ कैलकुलेशन देखूँ तो हाउ मच म्यू, तो इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ मैं नॉर्मल, दिस इज़ द पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे नॉर्मल है, तो एक लाइट रे यहाँ से इंट्री कर गई प्रिज्म में, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दैट इज़ टू ए ऑलरेडी गिवन, तो अब ये जाना चाहिए था ऐसे, पर ये जाएगी टुआर्ड द नॉर्मल ऐसे, और ये वाला जो सरफेस है वो प्लेन मिरर है, सिल्वर्ड हो गया उधर से, ठीक है ना, तो ये लाइट रीट्रेस करेगी, तो रीट्रेस तब ही करेगी जब ये 90 डिग्री पर यहाँ से फॉल होगी, तो अगर ये 90 डिग्री पे यहाँ से फॉल कर दे तो तभी जाके उधर से वापस आएगी, तो ये वाली इंसिडेंट रे है, तो जो वापस आ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है, कुछ ऐसे वापस आएगी, ठीक ना, तो ऐसे गई थी ऐसे वापस आ जाएगी, तो ये कहते हैं कि म्यू की कैलकुलेशन करो। अब देखो म्यू की कैलकुलेशन करने के लिए इस सवाल में, इस क्वेश्चन को म्यू करने के लिए हमें देखो क्या करना है कि ये जो पॉइंट पी है इस पे स्नेचुरल लगा देना है, तो ये एंगल 90 है, ए है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा, और ये पूरा 90 है, तो ये जो एंगल आर है वो आ जाएगा 90 माइनस ए, तो कुल मिला के वो ए ही आ जाएगा, तो जो पॉइंट पी है इधर कुछ बताया नहीं, तो मैं एयर ले लूँगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू म्यू जो है इसका 1 होता है, लगभग लगभग 1 होता है, वैक्यूम ले लिया मैं, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो स्नेहसरा लगाए तो म्यू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है स्नेल्स लॉ से, तो एट पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, तो यहाँ से म्यू मतलब म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 ए मस्ट बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन आर, और आर की वैल्यू भी यहाँ ए है, तो यहाँ से तुम जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन 2 ए और डिवाइडेड बाई यहाँ से साइन ए, तो साइन 2 ए, अब मैथमेटिक्स में हम पढ़े हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो यह आ जाएगा 2 साइन ए और यहाँ से कॉस ए और डिवाइड कर दूँ यहाँ से साइन ए, तो साइन ए ने साइन ए को काट दिया, तो जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स कॉस ए के इक्वल आ जाएगी, जो कि अपना 2 टाइम्स कॉस ए दैट इज़ बी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। थैंक यू।